उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जनपद स्तर पर योजनाओं का लाभ लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं। इन दिनों वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं पर प्रत्येक लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के लाभ के लिए लाभार्थी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से अवश्य लिंक करा लें, जिसके चलते आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ऐसे कितने ही लाभार्थी हैं जिनके आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों से समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक द्वारा अपील की गई है कि लोग समय से अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लें, ताकि उनको भी योजना का लाभ मिल सके। जो लाभार्थी अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो ऐसे लोगों के खाते में योजना के लाभ की राशि नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए समय रहते लाभार्थी इस कार्य को अवश्य पूरा करा लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे अभी 6000 पेंशनर्स हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं जनपद में। अप्रैल, मई, जून की जो प्रथम किस्त भेजी गई है वो 34,000 लोगों को भेजी गई है जिन्होंने अपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करा लिए थे। बाकी जो शेष बचे हुए हैं उनको इसी वजह से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है। वो चाहे विकलांग पेंशन में हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में हो, चाहे विधवा पेंशन में हो। ऐसे लोगों से क्या अपील है जो अभी तक नहीं कराते हैं? ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि इतने महीने बीतने के बाद भी आप अपना आधार कार्ड हमारे यहाँ ऑथेंटिकेट नहीं करा रहे हैं, जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी नहीं। और इस मामले में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री सुमित यादव जी लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं, LDM साहब कर रहे हैं, फिर भी ये लाभार्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कि इन लाभार्थियों ने अब बैंकों में भी अपना आधार कार्ड नहीं जमा किया हुआ है, जिससे कि हम बैंक से भी इनके आधार कार्ड ले सकें। वहाँ भी इन्होंने अपने KYC नहीं कराई है, बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा करने की वजह से इनका एक्चुअल एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे लाभार्थियों के आसपास जो भी रह रहे हों और स्वयं लाभार्थी जो रह रहे हों, वो स्वयं आकर के हमारे यहाँ अपना आधार अपडेट करा लें ताकि उनके खाते में पेंशन भेजी जा सके। अन्यथा की दशा में पेंशन नहीं आएगी और इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लाभार्थियों की होगी।